दोस्तों, भारत को आज़ाद कराने में न जाने कितने देश प्रेमियों का अहम योगदान रहा है। उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो गुमनामी के अंधेरे में खो चुके हैं, तो वहीं कुछ नाम ऐसे भी हैं जो हमारे दिल के काफ़ी करीब हैं। इन्हीं में से एक नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हुए उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ही ये बात जानते हैं कि एक समय में नेताजी की तस्वीर वाले नोट भी छापे गए थे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी विषय को लेके और जानेंगे कि ये नोट कब और क्यों छापे गए थे और फिर इन्हें क्यों बंद कर दिया गया। इन नोटों के बंद होने के कई साल बाद पश्चिम बंगाल के रहने वाले पृथ्वीश दास गुप्ता ने वित्त मंत्रालय और RBI को चिट्ठी भी भेजी थी, जिसमें लिखा था कि भारतीय नोटों पर नेताजी की फोटो छापी जाए। जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में इसकी PIL भी दाखिल की थी। इसके जवाब में साल 2010 में रिजर्व बैंक के एक पैनल ने कहा था कि देश में महात्मा गांधी के अलावा ऐसी कोई शख्सियत नहीं है जो भारत के मूल्यों को संपूर्ण रूप से जाहिर कर सके। दोस्तों, रिजर्व बैंक के इस बयान के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जहां तक बात है नेताजी के तस्वीर वाले नोट की, तो इन नोटों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इसके पीछे की असल कहानी बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। दोस्तों, बात है सन 1941 की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ादी की गिरफ्त से बचकर विदेश चले गए। 4 जुलाई 1943 को नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। इसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में नेताजी ने एक अस्थायी सरकार बनाने का ऐलान किया। इस सरकार के लिए नाम रखा गया आज़ाद हिंद। नेताजी के द्वारा सरकार बनाने के पीछे वजह ये थी कि वो भारत में अंग्रेजी शासन को नहीं मानते थे, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों से बगावत कर अपनी अलग सरकार बनाई। उधर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान और ब्रिटेन एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे, इसीलिए नेताजी ने जापान से मदद मांगना उचित समझा। नेताजी ने प्रांतीय सरकार बनाकर जापान से कहा कि अंग्रेजों ने हमारे देश पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, आप अंग्रेजों को खदेड़ने में हमारी मदद करें। नेताजी द्वारा बनाई गई आज़ाद हिंद सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड जैसे देशों ने मान्यता दे दी थी। इन देशों का समर्थन मिलने के बाद नेताजी ने देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू कर दी। इस दौरान देशवासियों ने भी बढ़ चढ़ कर आज़ाद हिंद फौज के लिए चंदा इकट्ठा किया। इन पैसों को संभालने के लिए अप्रैल 1944 में आज़ाद हिंद बैंक भी बनाया गया। इस बैंक की स्थापना रंगून में हुई थी। आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना के बाद सरकार चलाने के लिए जब नेताजी को पैसे की जरूरत पड़ी तो उन्होंने आज़ाद हिंद बैंक के तहत अपनी करेंसी भी जारी कर दी। जिन जिन देशों ने आज़ाद हिंद सरकार को सपोर्ट किया था उन्होंने भी इस करेंसी को मान्यता दे दी। इस दौरान आज़ाद हिंद बैंक ने 5, 10, 100, 150, 1000, 50000 और 1 लाख रुपए के करोड़ों नोट जारी किए थे। सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो देश में नया संविधान बना। उसके बाद आज़ाद भारत में आज़ाद हिंद बैंक द्वारा जारी इन नोटों पर रोक लगा दी गई। इसके बाद सन 1950 में जब देश में नया संविधान लागू हुआ तो इन नोटों को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी नेताजी की तस्वीर वाले नोट की कहानी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बने रहे हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।